हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा से ये वैकेंसी निकाली गई है कि जो भी डिप्लोमा किए हैं स्टूडेंट उनके लिए ये गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 2500 वैकेंसी निकाली गई है, जो उसका सैलरी रहेगा फ्रेंड्स कितना, 42,000 सैलरी रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण को संविदा पर बहाल होंगे 2500 कर्मी। तो फ्रेंड्स ये जो बहाली लिया जाएगा संविदा पर आधारित रहेगा। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बता दूं आप लोगों को कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सारे रिक्त पद भरने में लग गया है और यहाँ विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय में पहले से स्वीकृत जो पहले से वैकेंसी निकाली गई थी वो कितना, तो 6875 वैकेंसी निकाली गई थी। बट उसमें आप लोगों को 4628 कर्मियों के ही बहाली लिया गया था। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 2500 कर्मचारियों की बहाली का फैसला लिया गया है इस साल। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये सभी संविदा पर आधारित होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ज़मीन के विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा पर करीब 2500 कर्मचारियों की बहाली लिया जाएगा और जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा इसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया जाएगा और उसी पे जितने स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कर्मियों की कमी से क्या दूसरे चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पाया है। कर्मचारी की कमी की वजह से दूसरे चरण का जो काम है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे बहाली का निर्णय लिया गया है। और जो पहले 4628 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जो कर्मचारी बहाल हुए थे वो बिहार के 20 जिलों में क्या किया गया था, भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जो पहले से कर्मचारी मतलब कि बहाल हो गए हैं वो 20 जिलों में क्या हुआ है, उसका ज़मीन का सर्वेक्षण चल रहा है। और शेष जो 18 जिले हैं फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, सर्वे का काम इसी साल शुरू हुआ। और इन पदों पर नियुक्ति के बाद सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, इन्होंने इस बात को बताया है। और जो 2500 कर्मचारी है इसका जो वैकेंसी है इसका जल्द ही पोर्टल बनाया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जब आप लोगों को अच्छा लगा तो क्या करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल मीडिया पर शेयर करना। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।